बिल्कुल जा रही है। 30 साल बाद आ रहे हैं पाकिस्तानी जेल से, एक खुशी का मौका है आपके लिए, सबको बताइए। बुरा तो नहीं, लेकिन 30 साल बाद अपने बच्चों मिल जाते हैं। ने आग्रह किया है कि जो विशेष सहायता दी जाती है बिहार के 30 साल बाद अपने बच्चे मिले आके के बाद आधे मुल्क जाए, जिसका प्रावधान बिहार पुनर्गठन विधेयक में है, जेल कोई गलत फहमी नहीं होनी चाहिए। सफर कैसा रहा? मुश्किल होवे या कुछ होवे, जो तो जेल के अंदर कैदी है तो तुम्हें पता कैदी वास्ते जो जब हालात होंगे वो तो होने, पर यह है मैं कहूंगा, यह मैं जरूर कहूंगा कि पाकिस्तानी जेलों के इंडिया वाले सुनो, पाकिस्तानी जेलों के इंडिया वाले कोई तकलीफ नहीं, बिल्कुल किसी भी, यह तो हूं नहीं ना, हूं अपने बैठे है ना, फिर भी कोई तकलीफ नहीं किसी किस्म की, खाने की नहीं, कोई पीने की, कोई लीड़ा कपड़ा, कोई साबण तेल हर चीज उन्होंने मिलती है। सरबजीत बिल्कुल ठीक ठाक है, बिल्कुल सही है, कोई ओनू तकलीफ नहीं, कोई गल नहीं, ए तो है कि सजाए मौत का कैदी है, सजाए मौत वाले नाल बंद होना है, वो कदा बंद है जिथे मर्जी वह फिर बहर तो नहीं फिरन देंगे, ऐडा एक हत आया वो फिर रहा, ओनू कोई तकलीफ नहीं। हां मैं मिलता रहना, हां मिलता रहना, नहीं कोई नहीं। सरबजीत ने आम कैदियां तरह जिस तरह आम नहीं मिलते जाके, हर हफ्ते के हफ्ते असि जाके मिलते, ओनू भी पता है, हां क्या उन्होंने क्या बोला आपसे? कुछ नहीं, चुप बेचारा, वो की कर सकता है? बताएंगे आपको कब पता चला? गलती ये हुई है, देखो मैं दसना, गलती ये हुई है कि सरबजीत जिन्ना जोर लग्या ना उसकी रिहाई वास्ते वो गलत गया सारा, वो क्यों, वो मीडिया च आ जाता है, मीडिया च आ जाए, मीडिया आम च रह जाती है, आम फिर ओके खिलाफ खड़े हो जाते हैं। टीवी पे है देखो मैं दसदा, कोई कुटमार नाल नहीं मरिया, कोई भुखा त्याया नहीं मरिया, बीमारी का जिथों तक तलक है उथे स्पेशल उन्होंने लहदा बंद किया है, पागल होए फिर जो थोड़े घने वह लहदा बंद किया है, उदू बाद जो इन्हों तो नहीं ठीक हों जेल के डॉक्टर तो बहर भेजते हो, बहर एक है जना हस्पताल जिस तरह अपने चंडीगढ़ हस्पताल है इस तरह उथे भेजते है, उतो फिर ठीक हो गया। परसों सरबजीत की रिहाई की बात आई थी और सरबजीत को भी बताया गया था, आप बताएंगे क्या बात हुई थी उस समय, आपको कब बताया गया कि आप रिहा हो? वो गलत हुई थी, सुनो वो गलत हुई थी, सरबजीत और सुरजीत में फर्क नहीं है, वो ये नहीं समझते, वो सुरजीत भी उसे तरह लिखा जाता उर्दू च, सरबजीत भी उसे तरह ही लिखा जाता। आपको कितने बजे बताया, कितने बजे आपको पता चला, किसने आपको खबर दी कि आप रिहा हो? देखो मैनू ये पता लगे रहमान मलक नी इन्हों का जेड़ा पहला होम मिनिस्टर सी, उन्हें इंटरव्यू दिता है अखबारी रिपोर्टर, उन्हें दसिया मेरे कागज लहदा किए है सरबजीत दे लहदा किए है कि तुसीं आने हो कि सरबजीत रिहा हो गया, सरबजीत दे तां कागज अजे साडे कोले नहीं पहुंचे, उहदी समरी साडे कोले नहीं पहुंची, ये सुरजीत सिंह है, सरबजीत नहीं, सुरजीत सिंह है, उहदे आ कागज आए आ, उहदी रिहाई है, उहनू 48 घंटिआं च असीं कढ देवांगे। देखो ये मैं कोई मैनू नहीं इस गल का पता, मैं गलत करा, अखबार मैं पढ़ता, मैं कोई एडिटर नहीं या मैं कोई अफसर नहीं या कोई मैं मिनिस्टर नहीं, पर यह है कि उन्हें रहमान मलिक का तुम इंटरव्यू सुनिया, फिर यह सवाल करने की लड़ ही नहीं पैनी, तुम्हें पता लग जाता क्यों होया।
ਨਹੀਂ ਕਰਵਾਉਣਾ ਰਿਹਾਈ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਇਹ ਨਾ ਛੱਡੋ ਮੈਥੋਂ ਇੰਨੇ ਬੰਦੇ ਨਾ ਕਵਾਓ ਮੈਂ ਕਰਵਾ ਲੂੰਗਾ ਮੈਂ ਕਰਵਾ ਲਾਂਗਾ ਸਰਬਜੀਤ ਬਸ ਤੂੰ ਇਹ ਛੱਡ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਜਾਣ ਦੇ ਜਲਦੀ ਕਰਵਾਉਣਾ ਕੁਛ ਨਾ ਕੁਛ ਕਰਾਂਗੇ ਮਿਨਿਸਟਰ ਨੂੰ ਮਿਲਾਂਗੇ ਸਰਬਜੀਤ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਕੇ ਲਈ ਕੋਈ ਮੈਸੇਜ ਭੇਜਾ ਹੈ ਆਪਕੇ ਥਰੂ ਨਹੀਂ ਬੱਚੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਕਿਉਂਕਿ ਅੱਜ ਮੈਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਸੁਬਾਹ ਜਬ ਆਪ ਲਾਸਟ ਮਿਲੇ ਥੇ ਉਨਸੇ ਉਨਕੀ ਦਿਮਾਗੀ ਹਾਲਤ ਕੈਸੀ ਠੀਕ ਸੀ ਬਿਲਕੁਲ ਕਿਆ ਬੋਲਾ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਕੇ ਬਾਰੇ ਮੇਂ ਬਾਤ ਕਰਤੇ ਥੇ ਹਰ ਕਿਸਮ ਦੀ ਹਰ ਕਿਸਮ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਸੀ ਉਹ ਬੀਬੀ ਕੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਦੱਸਾਂ ਉੱਥੇ ਮਨਾ ਹੈ ਸਮਝ ਗਏ ਨਾ ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਫਿਰ ਵੀ ਚੱਲਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ ਇਹ ਲੰਬੀ ਗੱਲ ਹੈ ਮੈਨੂੰ ਨੀ ਪਤਾ ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਜਾਣੋ ਇੰਟੀਰੀਅਰ ਮਿਨਿਸਟਰੀ ਜਾਣੋ ਮੈਂ ਜਿਹੜਾ ਕੰਮ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਕੀ ਦੱਸਿਆ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਨਾ ਕੋ ਕਿ ਮੈਂ ਜਸੂਸੀ ਵਾਸਤੇ ਗਿਆ ਸੀ ਭਾਜੀ ਆਹ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਹੈ ਨਾ ਇਹ ਕਿਤੇ ਵੀ ਕੋਈ ਅਫਸਰ ਬੱਚਿਆਂ ਨਹੀਂ ਦਿਸਦਾ ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ ਆਰਮੀ ਹੈ ਇੰਨਾ ਕਹਿ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦੇ ਖਿਲਾਫ਼ ਗੱਲਾਂ ਨਾ ਪੁੱਛੋ ਤੇ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਦੱਸਣਗਾ ਸਿੱਧੀ ਜੀ ਗੱਲ